प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का। सड़क पे इसको एक्सटोर्शन कहते हैं। अब आप देखिए विपक्ष का घोषणा पत्र पूरी तरह इकोनॉमी को फेल करने वाला घोषणा पत्र है। एक प्रकार से विपक्ष का घोषणा पत्र देश के जो फर्स्ट टाइम वोटर है या पिछले जिनकी उम्र 25 से कम है उनके भविष्य को रौंदने वाला उनका मैनिफेस्टो के इकोनॉमिक प्रोग्राम है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटोर्शन कहते हैं, एक्सटोर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटोर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं।